जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग MFL इंडिया लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, MFL इंडिया के बारे में आप जानते हैं कि इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन ये तेज़ी एक लेवल पर आकर ठहर सा गया है और इसके बाद इस स्टॉक में अब तेज़ी की बदौलत थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला। पिछले कुछ दिनों से ये हो रहा है, जबकि अभी मान कर चला जा रहा था और मान करके अब पिछले कुछ दिनों में देखा भी जा रहा था कि इस स्टॉक में लगातार शानदार तेज़ी देखने को मिल रहा था। तो तेज़ी रुक क्यों गया है और फिर इसमें तेज़ी कब आएगा, इसी के बारे में इस वीडियो में आपको एकदम आसान भाषा बताऊंगा। तो आप यदि आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है या नहीं भी है और करना चाहते हैं, तब भी इस वीडियो को आराम से और पूरा देखिएगा। देखिए, अभी MFL इंडिया का प्राइस 72 पैसे के आसपास चल रहा है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो तकरीबन 1.5% के आसपास इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। वहीं पर यदि पिछले एक सप्ताह की बात करें तो एक सप्ताह में भी देखेंगे तो स्टॉक आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि गिरावट पिछले कुछ दिनों से, महज 1-2 दिनों से इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। बाकी पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो यह स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा है। जैसे एक सप्ताह आप देखें 16% से ज़्यादा स्टॉक चढ़ा है। अब वहीं पर पिछले यदि एक मंथ की बात करें तो फिर एक मंथ में देखेंगे स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस स्टॉक में पिछले काफ़ी दिनों से गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी इस स्टॉक में तेजी आना शुरू हो गया था। और पिछले 6 मंथ में बात करें तो 6 मंथ में 33% के आसपास स्टॉक गिरा है। ये रहा MFL इंडिया कंपनी के काम और फंडामेंटल को बाद में डिस्कस करेंगे। पहले चार्ट के माध्यम से हम लोग इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं कि अभी बात समझ में आ जाएगा कि इस स्टॉक में जो पिछले कुछ दिनों से तेजी देखने को मिल रही थी, अब उसमें गिरावट क्यों देखने को मिल रहा है। तो देखेंगे, अभी मैंने इस कंपनी के एक साल का चार्ट ओपन किया हुआ है। एक साल का चार्ट पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें प्राइस, इसके प्राइस, शेयर प्राइस में काफ़ी दिनों से गिरावट देखने को मिल रहा था। पिछले जैसे यहाँ पर देखेंगे तो पहले तो प्राइस यहाँ तक आया, फिर इसके बाद थोड़ा सा इस एरिया के आसपास सपोर्ट लेकर, जो कि 10 रुपये 1 रुपये के आसपास का एरिया, यहाँ पर कई बार इसने देखेंगे आप तो सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर काफ़ी लोगों ने सपोर्ट लिया, तो यहाँ पर सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर उठा था, लेकिन फिर सस्टेन नहीं कर पाया और फिर प्राइस नीचे आ गया। नीचे आने के बाद इस यहाँ जो इसका सपोर्ट लगा था, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, लेकिन फिर यहाँ पर देखेंगे तो इसका प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे आ गया। और फिर कहाँ पर सपोर्ट लिया, अगला सपोर्ट लिया इसने 60 पैसे के आसपास। अब देखिए, यहाँ पर डबल डब्लू टाइप का बना है, डबल डब्लू का जब फॉर्मेशन होता है और उसके बाद जब रिट्रेसमेंट मार्क प्राइस ऊपर उठता है, तो माना जाता है कि ये जब दोबारा ऊपर उठ रहा है तो इसका अगला जो रेजिस्टेंस होता है उसको ब्रेक कर देगा। तो अभी देखिए, अभी क्या हो रहा था कि आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे प्राइस ऊपर जा रहा था, लेकिन हल्का सा फिर नीचे यहाँ से मुड़ते हुए आपको दिखाई देगा। मैं इसको और बड़ा कर और छोटा करता हूँ, तब आपको और ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। 6 मंथ पर आप देखेंगे कि इस कंपनी का शेयर प्राइस डबल डब्लू टाइप का यहाँ पर बना है, कि अभी ये जो डब्लू बना है ऊपर जाकर फिर नीचे की तरफ आने लगा है। तो ये जो नीचे की तरफ आने लगा है, यही इसमें गिरावट का काम कर रहा है। और ऐसा क्यों हुआ है, देखिए यहाँ से देखेंगे आप, इसका प्राइस 60 पैसा से उठकर 70 पैसा से ऊपर गया, 10% की तेज़ी इसमें देखने को मिली है। तो ये ऐसा नहीं कि लगातार जब कोई स्टॉक बढ़ता है तो लगातार बढ़ते बढ़ते एकदम ऊपर ही चला जाएगा। किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस देखेंगे तो ऐसे बढ़ता है, ये नहीं कि सीधे ऐसे ऊपर चला जाता है, ऐसे नहीं होता कि जो नीचे की तरफ घुमा है। तो देखेंगे 70 पैसा के आसपास है, 70 पैसा का लेवल अभी ब्रेक नहीं किया है। यदि ये जो कर्व हुआ है, जो घुमा है, 70 पैसा के नीचे आता है, तब टेंशन की बात होगी। इसलिए हम अभी ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें गिरावट जो हल्का सा हुआ है, ये लगातार गिरावट इसमें होते ही रहेगा। जब तक इस कंपनी का जो ये शेयर प्राइस है, ये 70 पैसा के ऊपर है, यानी कि इस एरिया के ऊपर, ये 70 पैसा का लेवल इसके ऊपर है, तब तक हमें जो इस कंपनी के इन्वेस्टर्स है या जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए चिंता की कोई बात नहीं है, इसमें डरना नहीं है। ये अभी ये स्टॉक पॉजिटिव है। अब देखिए, ये कंपनी एक ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक कंपनी है, यानी कि जहाज़ के माध्यम से कंटेनर पर सामान वाला के विदेशों में भेजा जाता है, जो ट्रांसपोर्ट का काम किया जाता है और ट्रांसपोर्टिंग के काम, ये सब काम काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है कंपनी का। आने वाले समय में MFL इंडिया का बिजनेस चमकेगा। तो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो MFL इंडिया एक शानदार कंपनी है। और फंडामेंटल थोड़ा सा इस कंपनी का वीक है, क्योंकि देखिए ये एक तो पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक के फंडामेंटल में ज़्यादा हम उम्मीद करते नहीं हैं। 25 करोड़ के आसपास की कंपनी, शेयर प्राइस देखेंगे तो 1 रुपये से भी कम है और बुक वैल्यू तो बहुत कम है, बुक वैल्यू इतना कम नहीं होना चाहिए, इसलिए ROE इसका कुछ पता नहीं है। और ROC देखेंगे तो 42% के आसपास, ये बढ़िया बात है, लेकिन ROE नहीं है और बुक वैल्यू काफ़ी कम है। इसके अलावा यहाँ पर जब आप देखेंगे इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप पाएंगे कि अभी जो दिसंबर क्वार्टर के इस कंपनी के रिजल्ट आए हैं, उसमें आपको थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिलेगी सेल्स में, जो सेल्स है, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर में सेल्स काफ़ी कम हो रहा था और MFL इंडिया का अब जाके सेल्स बढ़ा है। तो सेल्स बढ़ा है, यह दर्शा रहा है कि इस कंपनी का जो फंडामेंटल है अब धीरे धीरे मजबूत होगी, क्योंकि जब क्वार्टरली रिजल्ट क्वार्टर टू क्वार्टर बेहतर आने लगते हैं, तभी जाके किसी भी कंपनी का फंडामेंटल मजबूत होता है। फंडामेंटल मजबूत होता है तो इसके बदौलत भी कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आने के चांसेस होते हैं। MFL इंडिया के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई, मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई भी सवाल होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यदि आपके पास बेस्ट डीमेट अकाउंट है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एंजल वन या एम स्टॉक के साथ अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।